नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पटना में जेडीयू द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। बता दें कि देश विरोधी बयान देने के आरोपी शर्जिल इमाम को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज देश में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े कर दे। साथ ही प्रशांत किशोर को बैठक में नहीं शामिल करने पर कहा कि हमने अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किया था। इनका दोनों जहां तक सीए का सवाल है जिसको लेकर के बोल रहे हैं, तो सीए तो अब एक्ट है, पास हो गया, सीए भी सीए में कन्वर्ट हो गया, एक्ट से पास हो गया, तो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो उसको लेकर के कुछ विवाद है, तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, और संवैधानिक है नहीं है इसके बारे में बात होगी। इसलिए हमको लगता है उस विषय पर अगर लोगों के मन में कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी, बातचीत होगी, तो उसका इंतजार करना चाहिए। रही बात जहां तक एनआरसी की बात है, आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले से ही कहा है कि एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है, और प्रधानमंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट आया, कोई बात नहीं। एनपीआर की जो बात आई है, एनपीआर तो 2011 से चल रहा है और उसी का रिव्यू हुआ, आगे बढ़ा 2015 में और फिर 2020 में हो रहा था, नई बात एनपीआर की तो बात है नहीं। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्जिल इमाम को जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस भी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच टीम के साथ थी, जहाँ शर्जिल इमाम को नेपाल के रास्ते भागने पर एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और उसके बारे में दिल्ली पुलिस बेहतर बता सकती है। बिहार पुलिस ने सिर्फ दिल्ली पुलिस को अपेक्षित सहयोग किया है। कि आपको बताया कि दिल्ली में क्राइम ब्रांच पीएस केस नंबर 22/2020 में दिल्ली पुलिस की टीम बिहार आई थी। उस केस में बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस को जो है पूरा सहयोग प्रदान कर रही है, और अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी जहानाबाद जिला के काको थाना क्षेत्र से हुई है और इस संबंध में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वीआईपी पार्टी के द्वारा सीएए और एनपीआर के विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद में लगभग बिहार के सभी विपक्षी पार्टी शामिल हो रही है। वहीं बिहार बंद को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश प्रभारी संतोष कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी बंद का समर्थन कर रही है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के द्वारा लागू किए गए नियमों को वापस लेने की मांग करेंगे। रही है महागठबंधन समर्थन कर रही है इसका। देखिए, अभी सर्वदलीय बैठक हुआ था इमारत सरिया में, और उसमें सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी भी भाग लिए थे, और ये सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि कल बंद का हम लोग समर्थन करेंगे और बंद कराने के लिए रोड पर भी उतरेंगे। पटना के आईएमए हॉल में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की बिहार राज्य कमेटी की 20वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ चर्चा की गई। मिलना चाहिए, आमदनी होनी चाहिए, हमको जो मिलना चाहिए सरकार उसका इंतजाम करे। ये पटना के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार दो पालियों में चल रही परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पैसा वैसा काम चलने वाला नहीं, बता दे रहे कारण क्यों है। इसमें 10 से यहाँ पैसा वैसा काम चलने वाला नहीं, बता दे रहे कारण।
मधेपुरा के केशव कन्या विद्यालय में आयोजित एसटीईटी परीक्षा में हंगामा देखने को मिला। दरअसल यहां आयोजित परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों ने वीक्षक पर अपने जान पहचान के परीक्षार्थियों को सहायता करने का आरोप लगाते हुए शहर का मुख्य सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। वहीं हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और डीएसपी ने परीक्षार्थियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। क्वेश्चन देने टाइम में टाइम देखा जाता है कि 9 बजे ही दिया जाएगा, बीच में इतना डिस्टर्बेंस का कोई गिनती नहीं। हम कितना डिस्टर्ब होते हैं उसके चक्कर में, हम कितनी दूर से एग्जाम देने और ऐसा एग्जाम देने आई है जहाँ इतनी धांधली हो रही है। पटना से सटे मनेर के सिंघाड़ा पंचायत में शराब कारोबारी और शराबियों की हरकतों से तंग होकर आक्रोशित हुए गांव की महिलाओं ने विरोध मार्च निकाला। कई स्थानों से बिक्री के लिए रखी हुई शराब को भी बरामद किया गया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस और स्थानीय नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बाईसपुर गांव में नटिनिया भी टोला पर दारू निकला है, बगीचा भी निकला है, 8 लोगों ने बगीचा में छापानवा निकला है। कौन लोग निकाले हैं? हम लोग पब्लिक लोग निकाले हैं, पब्लिक लोग निकाले हैं। कहाँ है? पुलिस नहीं कार्रवाई करती है? नहीं, पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। जो बाजीतपुर में दारू बेच रहा था उन लोग को औरत निकाल रहे थे दारू, आप लोग मरद लोग चलो दारू निकालना है बगीचा में, वही 8 गला निकला है, 1 56 वाला 8 गला, एक ट्यूब निकला दो 56 वाला उठा रखा। बेगूसराय में 2 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने घर में घुसकर जमकर गोलीबारी की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि राम भरोसी सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। वहीं रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। 3 बार हुआ, 3 बार में एक बार एसपी साहब मिले थे, हम एप्लीकेशन दे करके तो बोले जो कि थाना को दीजिए एप्लीकेशन, वो FIR करेगा। तो FIR थाना एसपी साहब कहने थाना FIR लिया, उसमें पकड़ा के गया अंदर भी सर, 2 दिन में निकल गया सर जो बात है। और उसके बाद फिर एक बार गोलीबारी मैंने रोडे पर चलाते हुए चल गया उनको मोटरसाइकिल से, उस बार भी हम एप्लीकेशन लेकर के टाउन थाना को दिए थे। बेगूसराय के मंडल कारा में गुटखा नहीं मिलने से नाराज कैदी अनशन पर बैठ गया। जानकारी के अनुसार कैदी ने पिछले 4 दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है और गुटखे की मांग कर रहा है। इस बाबत जेल सुपरिटेंडेंट ब्रिजेश सिंह मेहता ने बताया कि पिछले दिनों कैदी के घर वाले खाना देने के लिए आए थे और खाना देने के बहाने एक सिपाही की मदद से उसे गुटखा पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में ये बात सामने आई और सिपाही पर कार्रवाई की गई। मामला है कि लास्ट मंडे को एक बंदी था अविनाश, उसका परिजन कुछ लेकर आए तो उसी में गुटखा था, तो हम लोग निकाल के हटा दिए। फिर ये बाहर से फेंकवाने का कोशिश किया तो हम लोग उसको सीज किए थे और इसको सेल में डाल दिए थे। तो 24 या 23 तारीख से ये सेल में पड़ा हुआ है, तो सेल में ही था और वहीं है अभी भी। बगहा में कोरोना वायरस को लेकर इंडो नेपाल सीमा पर एहतियात बरती जा रही है, साथ ही सीमा पर आने जाने वाले लोगों को सलाह भी दी जा रही है। वहीं मौजूद मेडिकल टीम के लोगों को मास्क और ग्लव्स पहनने की भी सुझाव दी जा रही है। और हमारी टीम लगी हुई है, किसी तरह का कोई सर्दी खांसी या बुखार या गले में दर्द या माथा दर्द इस तरह का आ रहा है तो हम पूरा हिदायत दे रहे हैं। अभी तक कोई सस्पेक्टेड केस नहीं मिला है, अगर उस तरह का केस मिला हो तो हमारे एम्बुलेंस लगी हुई है, उसको हम तुरंत जो है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर अपराधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हम तुरंत रेफर कर रहे हैं। बगहा हमारा जो PSC है या अनुमंडल में उसको रेफर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई अभी सस्पेक्टेड केस नहीं मिला। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार।
सुपौल में प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार रामानंद सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। प्रतापगंज प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित पारक जैन धर्मशाला में स्थानीय पत्रकार पदाधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने निधन पर शोक जताया। सुपौल में प्रतापगंज प्रखंड के 2+ विद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख भूप नारायण यादव और जीविका के लोगों ने किया। इस मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के कौशल विकास और सीधा रोजगार उपलब्ध कराना है। पांडे जी को भी चौथा शिक्षक सम्मानित किया जाए। हम हमारे अकाउंटेंट सत्येंद्र कुमार ठाकुर जी से आग्रह है कि वे उन्हें चौथा शिक्षक सम्मानित पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जहानाबाद की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं विजेता टीम को जिला मुख्यालय बेतिया की नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल में हमेशा हार और जीत होते रहती है, इसलिए पराजित खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए। लौरिया टीम आज भले ही रह रही हो, लेकिन उन्होंने बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लिया कि उनके टीम में कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ ऐसे परफॉर्मेंस में गलतियां हुई हैं क्योंकि आगे वाले जहानाबाद टीम ने 2 का जो लक्ष्य रखा था और पहले के ओवर्स में उन्हें काफी रन खाली बॉल जाने के चलते रन आपने नहीं लिया तो बाकी की टीमों ने रन लेना बहुत मुश्किल हो गया। डिपेंड करता है, टीम भावना जब तक साथ नहीं रहेगी तो जीत हासिल करना संभव नहीं होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहे न्यूज 1 11। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।